हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक्सटाइल 2020। और आज मैं आपके लिए फैब्रिक डिज़ाइन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है वार वेडिड बैक्ड फैब्रिक वेफ्ट वेडिड बैक फैब्रिक। ये सब आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं वेडिड वार बैक्ड फैब्रिक की और वेडिड वेफ्ट बैक्ड फैब्रिक की। अब बेसिकली वेडिड थ्रेड हम क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं? फैब्रिक को एक्स्ट्रा वेट देने के लिए, फैब्रिक की थिकनेस बढ़ाने के लिए, और अगर फैब्रिक ऐसे पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है जहाँ पर हमें ज़्यादा वार्म की ज़रूरत है तो फैब्रिक को वार्म प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए हम वेडिंग थ्रेड को इंट्रोड्यूस करते हैं। बट बैक फैब्रिक में ऑलरेडी हमने एक बैक फैब्रिक इंट्रोड्यूस किया हुआ है, लेकिन फिर भी उसको और एक्स्ट्रा थिकनेस देने के लिए हम वेडिंग थ्रेड का यूज़ करते हैं। इस टाइप के फैब्रिक में, वार्प में या वेफ्ट में, हम जब वेडिंग थ्रेड इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम बैक फैब्रिक और फेस फैब्रिक दोनों के बीच में, ये मान लीजिए फेस फैब्रिक है, ये बैक फैब्रिक है, दोनों के बीच में हम वेडिड थ्रेड को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और हम लोअर क्वालिटी का वेडिड थ्रेड यूज़ कर सकते हैं जो हमें ज़्यादा कॉस्टली ना पड़ता हो, क्योंकि इसका मेन पर्पस सिर्फ वेट बढ़ाना है और थिकनेस बढ़ाना है, तो ये पर्पस को ये सॉल्व कर सकता है। तो इस तरीके से हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। अब कैसे हम वार्प बैक्ड फैब्रिक के अंदर वेडिड थ्रेड इंट्रोड्यूस करते हैं? जब हम वार्प बैक्ड फैब्रिक में वेडिड थ्रेड इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो होता है वेफ्ट डायरेक्शन। वार्प बैक्ड फैब्रिक के अंदर जो वेडिड थ्रेड होगा वो वेफ्ट डायरेक्शन में इंट्रोड्यूस किया जाता है, जबकि वेफ्ट बैक्ड फैब्रिक में वार्प डायरेक्शन में इंट्रोड्यूस किया जाता है। अभी हम देखते हैं कैसे। तो चलिए पहले हम वार्प बैक वीव ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले फेस वीव, थ्री अप वन डाउन हमने फेस की वीव ले ली। अब बैक की वीव, बैक की वीव में हमें वही बात ध्यान में रखनी है, जहां पे लॉन्गेस्ट फ्लोट आ रहा है दो फेस का उसके बीच में हमारा बाइंडिंग पॉइंट, इस हिसाब से हमें लेनी है बैक की वीव। तो वन अप वन टू थ्री डाउन, फिर एक छोड़ के वन अप वन टू थ्री डाउन, फिर एक छोड़ के वन अप वन टू थ्री डाउन, फिर एक छोड़ के वन अप वन टू थ्री डाउन, वन अप थ्री डाउन, हमने ये बैक की वीव। अब दोनों को कंबाइन करके हम बनाएंगे वार्प बैक्ड वीव। तो चार एंड फेस के हैं और चार एंड बैक के हैं, तो टोटल आठ एंड हमें लेने होंगे फाइनल वीव में। एक दो तीन चार पाँच छ सात, ये 8x4 की हमारी वार्प बैक वीव बनेगी। फेस बैक, फेस बैक, फेस बैक, फेस बैक। अब फेस के अंदर हम फेस की वीव फिलअप कर देंगे और बैक के अंदर बैक की वीव, तो जो लॉन्गेस्ट फ्लोट है उसके बीच में हमारा ये बाइंडिंग पॉइंट आ जाएगा। तो ये हमारी फाइनल वार्प बैक वीव बन गई। अब इस वीव के अंदर हम वेडिड थ्रेड इंट्रोड्यूस करेंगे वेफ्ट डायरेक्शन में। तो वेफ्ट डायरेक्शन में इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें चार वेफ्ट हैं, तो चार वेडिड थ्रेड हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसकी रेशो हो जाएगी वन ग्राउंड टू वन वेडिड, एक ग्राउंड के साथ हम एक वेडिड थ्रेड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो चार प्लस चार आठ, आठ वार्प थे और आठ वेफ्ट, तो हमें बनाना पड़ेगा 8x8 का ग्राफ। तो ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया 8x8 का। अब इसमें वार्प में फेस और बैक के वार्प हैं और वेफ्ट में फेस और वेडिड के वेफ्ट हैं, जो वेडिड थ्रेड हमने इंट्रोड्यूस किया। अब पहले हम हमारी वीव फिलअप कर देंगे फेस की वीव, उसके बाद बैक की वीव। ये हमने फेस की और बैक की वीव फिलअप कर दी। तो अब जहां पर भी वेडिड थ्रेड फेस एंड के सामने आएगा या फेस एंड के सामने वेडिड वेफ्ट आएगा, वहां पर हम फेस एंड को वेडिड एंड के अप कर देंगे। मान लीजिए हमारा फेस एंड जा रहा है यहां पर अप है,
फिर यहाँ पर वैलिड पिक आ गई, तो हमने इसके ऊपर भी इसको अप कर दिया, फिर दोबारा अप है, फिर हमने वैलिड पिक आई इसको अप कर दिया, फिर अप है, फिर वैलिड पिक आई इसको अप कर दिया, यहाँ पर हमारा फेस एंड डाउन है, यहाँ पर वैलिड पिक आई इसको अप कर दिया। तो जहां पर भी फेस और वैलिड आपस में मिलेंगे वहां पर हमें फेस एंड को अप करना है, ताकि जो वैलिड पिक है वो बीच में आ जाए फेस और बैक के। अब यहाँ बैक को हमें कुछ नहीं करना है, बैक को हमें नहीं छेड़ना है, फेस यहाँ पर डाउन है, फेस के सामने वैलिड आया इसको अप कर दिया, फिर फेस अप है, फेस के सामने वैलिड आया इसको अप कर दिया, फिर फेस के सामने वैलिड आया। तो जहां पर भी वेफ्ट, ये जैसे फेस जहां पर भी इसको इंटरसेक्ट कर रहा है फेस बार, वहां पर हमें वेफ्ट को अप करके दिखाना है। तो ये वैलिड पिक है, ये फेस है, ये फेस है, ये फेस है, ये फेस है। तो वैलिड और फेस जहां पर भी आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर हमें फेस एंड को अप करना है। इस डॉट का मतलब है कि फेस एंड वैलिड पिक के अप है, वैलिड पिक के ऊपर से है। तो ये हमारी वीव बन जाएगी वैलिड वार बैक्ड फैब्रिक। इस प्रकार से हम उसको इंक्लोज कर देंगे। अब अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन डायग्राम देखें तो वो कैसा दिखाई देगा, ये हमारी वेडिड पिक्स हैं और ये हमारा फेस एंड है, फेस एंड, ये पहली पिक, ये वेडिड पिक, उसके बाद ये दूसरी पिक, तीसरी पिक, चौथी पिक। तो ये हमारी एक दो तीन चार, ये हमारी चार फेस पिक हैं और ये चार हमारे वेडिड पिक्स हैं। और ये फेस एंड की मूवमेंट क्या है, यहां पर अप है लगातार, एक दो तीन चार पांच छह, छह पिक्स के ऊपर अप है। तो फेस जो हमारी फेस पिक है उसके अप, फिर वेडिड पिक के भी अप, उसके बाद नेक्स्ट पिक, एक दो तीन चार पांच छह, ये छह पिक्स के अप है, उसके बाद फेस पिक के डाउन है और वेडिड पिक के अप है। तो ये हमारा फेस थ्रेड है, जो ये फेस थ्रेड की मूवमेंट आपको दिखाई दे रही है, हमारा फेस बार इस प्रकार से सारी वेडिड पिक्स के अप है और जो हमारी फेस पिक है, तीन फेस पिक के अप है और एक के डाउन है। इस पॉइंट को हमने ऐसे शो कर दिया। अगर बैक वार्प को हम देखेंगे तो बैक वार्प क्या है, जितनी भी वेडिड पिक्स हैं और फेस पिक हैं, ये फेस पिक है, इन सब के डाउन है, ब्लैंक का मतलब ये डाउन है। तो इस पिक के एक दो तीन चार, चार पिक के डाउन है, एक दो तीन चार, इन चारों पिक्स के डाउन है हमारा बैक वार। अब जो पांचवी पिक है हमारी फेस पिक है, पांचवी पिक, उसके अप है, तो उसके अप दिखाने के लिए हमें इसको ऐसे लेके जाना पड़ेगा। जो हमारी फेस पिक है उसके अप है, इसलिए हमने इसको यहां से फेस पिक के अप कर दिया, उसके बाद लगातार डाउन है जितनी भी हमारी वेडिड पिक है या नॉर्मल पिक। तो ये हमारा बैक फैब्रिक बैक में ही रहेगा, फेस में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जो फेस पिक है उसके ऊपर से ये फेस का यार्न जा रहा है। तो ये इस प्रकार से ये जो हमारी जितनी भी वेडिड पिक्स हैं, ये देखिए यहाँ पर भी बीच में है, यहाँ पर भी बीच में है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सभी जगह पर ये बीच में है, और बैक फैब्रिक बैक साइड में है, फेस फैब्रिक फेस साइड में। ये इसका क्रॉस सेक्शन डायग्राम है इस डिजाइन का, जिसे बोलते हैं हम वेडिड बार बैक फैब्रिक। पहले हमें बैक फैब्रिक बनाना है, वार बैक फैब्रिक, उसके अंदर हमें वेफ्ट डायरेक्शन में, अगर वार बैक है तो वेडिड पिक हमेशा वेफ्ट डायरेक्शन में हम डालेंगे। हमने वेफ्ट डायरेक्शन में पिक डाल दी, जितनी हमारी फेस की पिक थी उतनी हमने वेडिड पिक डाल दी, और उसको जहां पर भी फेस के साथ वो इंटरसेक्ट कर रही थी वहां पर उसको अप कर दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, जो है
वेफ्ट बैक्ड फैब्रिक, वेडिड वेफ्ट बैक्ड फैब्रिक। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे वेफ्ट बैक्ड फैब्रिक, उसके बाद वेडिड थ्रेड इंट्रोड्यूस करेंगे। तो वेफ्ट बैक्ड फैब्रिक बनाने के लिए हमें पहले चाहिए फेस वीव, तो ये हमारी फेस वीव है, थ्री अप वन डाउन। उसके बाद बैक वीव, वन अप वन टू थ्री डाउन, वन अप वन टू थ्री डाउन, वन अप वन टू थ्री डाउन, वन अप वन टू थ्री डाउन। ये हमारी बैक की वीव है, वन अप थ्री डाउन। अब जब हम चार फेस की पिक और चार बैक की पिक दोनों को कंबाइन करेंगे तो टोटल हमें आठ पिक चाहिएगी, चार बार चाहिए, एक दो तीन चार, चार बार और आठ वेफ्ट। तो पहले फेस के वेफ्ट हम अरेंज करेंगे, फेस बैक, फेस बैक, फेस बैक, फेस बैक। अब फेस की वीव जो है वो इसके अंदर हम फिल कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट फेस की वीव, फिर नेक्स्ट, ऐसे करते हुए हम पूरी फेस की वीव इसके अंदर फिल अप कर देंगे। अब बैक, ऐसे ही हम बैक की वीव इसके अंदर फिल करेंगे। तो ये हमने फेस और बैक की वीव को जब कंबाइन कर दिया तो ये हमारी बन गई वेफ्ट बैक्ड फैब्रिक, ये वेफ्ट बैक फैब्रिक बन गया। अब जैसा मैंने पहले बताया था कि वार बैक फैब्रिक में हमने वेफ्ट डायरेक्शन में वेडिड थ्रेड डाला था, तो वेफ्ट बैक फैब्रिक के अंदर हम वार्प डायरेक्शन में वेडिड थ्रेड इंट्रोड्यूस करेंगे। तो अगर चार फेस के एंड हैं इसके अंदर तो चार ही वेडिड वार्प हमें इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो चार वेडिड और चार, ये आठ हो गए टोटल, टोटल आठ हैंड्स और आठ पिक्स का हमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा वेडिड वेफ्ट बैक फैब्रिक बनाने के लिए। तो ये हमने आठ बाय आठ का ग्राफ ड्रॉ कर लिया जिसमें एक फेस एक वेडिड, एक फेस एक वेडिड। तो फेस और बैक की रेशियो है 1:1, एक फेस के साथ एक वेडिड, और वेफ्ट डायरेक्शन में एक फेस का वेफ्ट है, एक बैक का वेफ्ट है। अब हम पहले भरेंगे हमारी फेस की वीव, ये फेस की वीव फिल अप कर दी। अब बैक की वीव, बैक की वीव फिल अप करने के बाद अब जहां पर भी फेस का वेफ्ट वेडिड थ्रेड से मिल रहा है, ये फेस है ये वेडिड है, वेडिड ऐसे चल रहा है, तो जहां पर भी फेस और वेफ्ट ऐसे आपस में इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर हम इसको अप कर देंगे। यहां पर अप, फिर दोबारा यहां पर अप, फिर W और F, फिर W और F, जहां पर भी F और फेस और वेडिड, फेस की पिक और वेडिड का वार्प जहां पर भी मिलेगा वहां पर हम इसको अप करते चले जाएंगे। तो ये हमने फेस का और वेडिड का जहां पर भी इंटरसेक्शन हो रहा था वहां पर इसको फिल अप कर दिया। तो इस प्रकार से हम वेडिड वेफ्ट बैक्ड फैब्रिक को प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमें बस यही ध्यान रखना है वेफ्ट बैक में जहां पर फेस का वेफ्ट और वेडिड वार्प मिलेंगे वहां पर हमें अप करना है उसको, और वार्प में जहां पर वेफ्ट वेडिड वेफ्ट मिलेगा वहां पर उसको अप करना। ऐसे करते हुए हम वार्प बैक वेडिड फैब्रिक और वेफ्ट बैक वेडिड फैब्रिक प्रोड्यूस कर सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई आपका डाउट है, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और इससे रिलेटेड रिटर्न कंटेंट लेने के लिए आप हमारी वेबसाइट texcelhelp.org विजिट कर सकते हैं। उस पर आपको दूसरे टॉपिक्स भी अवेलेबल हैं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।